बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामुअलैकुम। होपफुली यू ऑल विल बी फाइन। स्टूडेंट्स, बायोलॉजी 9th क्लास चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन में बेटा आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज डाइजेशन एंड इट्स फेजेस। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल से कि डाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है और डाइजेशन का प्रोसेस किन किन फेजेस से जो है वो कम्प्लीट होता है। Let us start with the definition of digestion. Definition है बेटा the process, digestion का process in which large and non-diffusible molecules of food are converted into smaller and diffusible molecules that can cross the membranes is called digestion. Digestion का process ऐसा process है जिसमें फूड के लार्ज नॉन डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट किया जाता है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में दैट कैन क्रॉस द मेम्ब्रेन एंड इज कॉल्ड डाइजेशन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ डाइजेशन की डाइजेशन जो है ये डाइजेशन का प्रोसेस क्यों इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स, आर सेल रिक्वायर ऑक्सीजन, वाटर, सॉल्ट, अमाइनो एसिड्स, शुगर्स, फैटी एसिड्स एंड विटामिन। Such substances are usually part of larger molecules like proteins, lipids and polysaccharides. Students, ये जो proteins, lipids वगैरह हैं ये larger molecules होते हैं, non-diffusible molecules होते हैं जो हमारी food के जो है वो essential part हैं। Convert such larger and non-diffusible molecules into smaller and diffusible molecules. Digestion is required. तो इन लार्जर जो मॉलिक्यूल्स हैं प्रोटीन्स, लिपिड्स, पॉलीसेक्राइड्स, इनको डाइजेशन के लिए इनकी कन्वर्जन जो है वो लार्जर मॉलिक्यूल से नॉन डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल से स्मॉलर डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स में इनकी कन्वर्जन जो है वो एसेंशियल है। और वो क्यों एसेंशियल है? ताकि सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस करके सेल तक ये पहुंच सके। सो दीज कैन क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन टू एंटर द सेल। That is why the digestion is very important. जैसा कि students इस diagram में जो है वो आप देख सकते हैं कि carbohydrates जो है वो complex sugars हैं, इनको digestion के process के through जो है वो simple sugars में like glucose और वगैरह में जो है वो convert किया जाता है। इसके अलावा lipids वगैरह भी जो है वो larger और non-diffusible molecules हैं, इनको डाइजेशन के प्रोसेस से फैटी एसिड ग्लिसरॉल वगैरह में कन्वर्ट किया जाता है एंड प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड्स वगैरह में जो है वो डाइजेशन के प्रोसेस से कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं फेजेस कि डाइजेशन के प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स हैं, किन किन फेजेस से जो है डाइजेशन का प्रोसेस कम्प्लीट होता है। द फर्स्ट वन इज इंजेस्टन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन एंड डिफिकेशन। अब इन फेजेस को हम डिटेल से वन बाय वन डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, इंजेस्टन इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड, कि ऐसा प्रोसेस जो है जिसमें सिंपल फूड को हम लेते हैं वो किसमें है, वो इंजेस्टन करते हैं। ठीक है, इंजेस्टन इट्स द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड। डाइजेस्टन इन दिस प्रोसेस कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रोकन अप इंटू सिंपलर सब्सटेंसेस। डाइजेस्टन के प्रोसेस में हम कम्प्लेक्स नॉन डिफ्यूजिबल पार्टिकल्स को जो है स्मॉलर सिंपलर डिफ्यूजिबल पार्टिकल में कन्वर्ट किया जाता है। एंड देन एब्जॉर्प्शन, डिफ्यूजन ऑफ डाइजेशन फूड इनटू ब्लड एंड लिम्फ, ये एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में होता है। जो डाइजेस्टेड फूड होती है उसकी डिफ्यूजन हो जाती है ब्लड एंड लिम्फ वगैरह में। एंड देन एसिमिलेशन, इन दिस प्रोसेस कन्वर्जन ऑफ एब्जॉर्ब्ड सिंपल फूड इनटू कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस अकर, के जो कन्वर्जन होती है एब्जॉर्ब्ड सिंपल फूड की इनटू कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, वो असिमिलेशन में होती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स डिफिकेशन, इट्स द एलिमिनेशन ऑफ इनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी। जो इनडाइजेस्टेड फूड होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जो है वो वहां से भेजी जाती है और वहां से ये बॉडी से इलिमिनेट हो जाती है। ठीक है, इट्स द एलिमिनेशन ऑफ
इनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी। स्टूडेंट्स ये तो हमने आज डिस्कस किया डाइजेशन, डाइजेशन के प्रोसेस की इम्पोर्टेंस एंड फेजेस। स्टूडेंट इफ यू हैव एनी कन्फ्यूजन एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। थैंक यू।